ये है मेरा फाइनल जो मैंने अभी बनाया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ये नीचे चौकी, हम लोग क्या चौकी ही बिछती है और जिस पे दुल्हन बैठती है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गाइस, तो अभी 5 बज चुका है और मैं सोच रही हूँ तैयार हो जाऊँ क्योंकि हेयर स्टाइल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। हम लोग तैयार हो चुके हैं, तैयार होके जा रहे हैं। और मुझे ना आज पता नहीं कि अपना मेकअप अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इतना ज़्यादा जो है इनको देखो। हाय गाइस, हाय गाइस। तो मैं आ गई हूँ दुल्हन के पास और यहाँ पे थोड़ा रोना धोना चल रहा है। और अभी मैं दुल्हन को बनाने जा रही हूँ फूल वाले जेवर। और मेरी दुल्हन बहुत रो रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ कि मत रो, एंजॉय करो इस पल को। अगर रो के हम चले जाएंगे अल्लाह की कसम। इतनी मेहनत से मेकअप किए, वाटर प्रूफ लाइनर भी नहीं लगाया आज हम। मुस्कुरा दो, बाद में जब देखोगे तो बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा एंजॉय करो। ओ लेकर देखो, शादी एक बार होती है, हम सोचते हैं हम दोबारा से। अब जब वो जी लग जाए तो ना छू, हां जब लुक चले जी। अरे अरे अरे, लक्ष्मी जी लेना चाहिए। अब रास्ते में चले जाओ, अच्छे से देखा। यहाँ पे बहुत भीड़ है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं हाँ बेटा, घुमा रहा है। अभी रसम शुरू हो गई है, रसम हो रही है और जिसका आएगा हम उसका मुंह ब्लड लगा। ए, लगा हाँ तो क्यों है, लगाना नहीं है, फोटो खींचे नहीं है। क्या बोलिए, हम लोग साथ में मदरसे जाते थे, मार खाते थे, मार खाते थे, गलती हम करते थे, डंडैया खाते थे। हाँ हम लोग साथ में बहुत सी चीजें भी शेयर करते थे। शायद तुम भूल गई हो, मतलब मैं एक बात हम लोग ने शेयर किया था। तो सब बातें बहुत दिन बाद हम लोग मिले सब चीजें। और जमुरत की शादी हो रही है, निम्बक हम ना आएंगे, मेकअप खराब हो जाएगा हम ना आएंगे। नहीं अभी इसकी शादी नहीं है, जब भी शादी करना ठंडक में करना ताकि मेरा मेकअप बन जाए। तो अभी मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रही है। पागल लग रही, कोई नहीं कहेगा हमको पागल, मेरी जनता बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है। पागल बहन दिन भर मेकअप करती है, ऐसा नहीं दिन भर नहीं करते, अभी मैं टचअप कर रही हूँ सिर्फ। बेटी सो रही है और बहुत रोई है, इसको इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है। गाइस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को इसके कितनी तेज इसको बुखार चढ़ा हुआ है और इसका मुंह नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं है हमारे यहाँ। ओके तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये तो बता दो। गरीब बकवास फील हो रहा है, पागल एंजॉय करो। एक्चुअली ये ना बहुत डरने टाइप की हैं, इनको बहुत डर लगता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये वक्त बार बार लौट के नहीं आएगा, इसे एंजॉय करें आप, बट ये एंजॉय करना ही नहीं चाह रही हैं। तो समझा रहे हैं इनको। ओके गाइस, हाय
इसमें मसाला नहीं डालोगी? डालोगी, डालेंगे कि नहीं? हरा मिर्चा डालेंगे, धनिया पत्ती, टमाटर सब डालेंगे। हमारी चिची बहुत एक्साइटेड है इस टाइम। ये मटन वटन सब रखी भैया, अच्छा इंतजाम है खाने का। अभी आएंगे, जा रहे हैं अभी घर, आए थे कुरान पाक देने के लिए। तो हमारे बचपन के दोस्त, हाय करो। ये बन रही हमारे यहाँ नाश्ते की सब्जी, पत्ता गोभी, आलू मटर। ओके गाइस, तो यहाँ पे है दुल्हन के जेवर और ये गले का, ये कान का, आप देख सकते हो माशाल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये दूल्हे को देगी साली पहनाएगी। और ये दूल्हे की अंगूठी है, ये पायल है, चच्ची दे रही है पायल। ये शौकबंद बहुत खूबसूरत है, पांचों उंगली वाला, जिसको हाथ फूल भी कहते हैं। तो माशाल्लाह जेवर बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही चच्ची। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, मेरी भाभी हैं, मेरी फूफू हैं, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने चूड़ी नहीं ली थी वहाँ से, यहाँ वहाँ मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो अभी जा रहे चूड़ी लेने, चच्ची का कपड़ा लेने। तो आप लोग को यहाँ की मार्केट दिखाती हूँ, बहुत अच्छी मार्केट है हमारे अकबरपुर की भी, और खूब पैदल चल रहे हैं। ये वाला सही लगाइए, बड़ा सही बता रहे, इतना महंगा तो वहाँ पे भी नहीं है। पूरे नया इतना बड़ा, इतना बड़ा। अच्छा तो सही लगाइए, इतना महंगा तो हमारे। और ये वाला लखनऊ में और रहता है, 1000 भैया, लखनऊ 1050 का ये, लेकिन स्पेस कम है ना, कुछ है ही नहीं उसमें, क्या है बस बाहर मोती और हीरे मोती। अच्छा तो उसका सही रेट लगाइए ना, बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती हैं ये, क्योंकि अमीनाबाद में करती है ना, इसीलिए बता भैया। मैंने बदले दे देते हैं, आप दे रहे हैं ना, आपको काहे टेंशन ले रहे हैं, पहले आप हमें बता दीजिए तब ना हम रुके। सुनो उसको रखो और चूड़ी लगने दो, चलो कपड़ा लो। हाँ देखो कपड़ा ले, ये देखो, इनको दूल्हा ही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे दुल्हन बन गई, चेंज हो गया जेंडर। अच्छी पैर आगे करो बड़ी, तब जाएगा ना वो, पैर आगे बढ़ाइए। हम लोगों ने चच्चा का कपड़ा ले लिया है और चच्ची का भी ले लिया है और चप्पल भी ले लिया है, और अब जा रहे हैं चूड़ी लेने। देखो सभी को चूड़ी दिया था लगने के लिए, तो चूड़ी लेने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी बहन को देने के लिए सामान निकाल लिया है, और ये है उसकी चप्पल, ये है कुछ ज्वेलरीज जो मैंने उसके लिए निकाली है, एक ये है और एक ग्रीन कलर की, बाकी चूड़ियां हैं, सारे कपड़े की चूड़ियां हैं। ये वाला सूट तो मैंने दिखाया था, ये उसका लहंगा, ये मैंने अलग से उसके लिए लहंगा लिया है, चप्पल, मेकअप बॉक्स जो मैंने उसके लिए लिया है, इसमें सारे सामान मैंने निकाल के रख दिया है इसका। हाँ चलो, ये इसका, ये मैंने यहीं से लिया है, अपने मार्केट से खरीदा था, इसमें सारे। एक तो यहाँ पे सबका चेहरा भी छुपाना पड़ता है ना हमको, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ तुम दोनों का लेंगे, शादा पप्पू भी आ सकती है, हैं? गाइस हल्दी वाला फंक्शन स्टार्ट हो गया है। जबरदस्ती फूफू बनाती है, जबरदस्ती दादी बनाती है, ये बड़ी लगती है, बड़ी है क्या, सही दादी लगती है रिश्ते में, तुम कौन दादी लगते हैं, देखो हाय करो, हाय। ये दादी नहीं है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, अभी अगर आपके पास रिश्ता हो तो, शादी अभी इसकी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो अगर आपके पास कोई रिश्ता हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। हेलो,
आपका फ्लश पूछ रहे थे जला लीजिए बजा रहे हैं। ये हमारी बड़ी फुप्पी हैं, ये हमारी बड़ी फुप्पी हैं। हाय करिए, हाय कर, हाय करिए। ओके गाइस, तो थोड़ी बहुत जो रस्म होनी थी वो हो गई। हम लोग के ना बहुत ऐसी धूमधाम की, दुल्हन को अलग से मेहंदी लग रही है, सबकी अलग मेहंदी हो रही, जिसका दिल कहे लगाए, जिसका दिल कहे ना लगाए, ऐसा कुछ सीन हम लोग क्या। तो यहाँ पे हम कसीदा पढ़ रहे थे और गाजी ने बहुत परेशान कर रखा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा बहुत जो पढ़ लेती हूँ ठीक है। तो यहाँ पे जब दुल्हन चौकी से उठ के चली आती है, तो पाँच जन जो है कसीदा पढ़ते हैं, और मैं पढ़ रही थी, फिर मेरी बहनें पढ़ी हैं, उसके बाद जो है और भी लोग पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म अब ख़त्म ही होने वाली है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, अब जो है ख़त्म हो चुकी है। और अभी बज रहा है रात का 1 बज रहा है, हम लोग गली में खड़े हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देवाप्पी को बुलाया मेहंदी लगवाने के लिए, देवाप्पी ये इनका कमरा है, और हम लोग गली में, इनका कमरा गली में खुलता है, मतलब गली की मतलब गली में ही जो भी है समझ लो आप लोग। तो देवाप्पी जा रहे हैं, हम लोग गली में भी अच्छा लग रहा था, गली में ऐसा नहीं है, भाभी मेरी बैठी है, देवाप्पी आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। बाय द वे मैंने न्यू सूट पहना है, ऐसे घर के लिए सिलवा लिया था मैंने। और एवरीवन सेइंग आपका सूट बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मेरा एक्सटेंशन है। बता लहंगा लेके आओ, कब पहनो? हम ना लहंगा लेके पहनना पहनना है बालों पे तू आग लगा दे जब बाल में तेल लगा रहता कोई भी तो मशीन नहीं लगा सकते, नहीं अभी आग लगाओ तो मशीन नहीं लगा सकते हैं। बारात की तैयारी हो रही है हसन बड़े अच्छे लग, ए देख ले हसन का साकिब का। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने भाभी को तैयार कर दिया था, और ये देखिए कितनी पिटकी लग रही हैं यहाँ पे भाभी, अम्मी और अम्मी ने तो अपने से, अम्मी को कोई मेकअप नहीं करना होता, अम्मी को बस हल्की सी लिपस्टिक लगानी होती है। तो मैं भी रेडी हो गई थी, जो कि मैंने मेन चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा गेट रेडी विथ मी। उसके बाद मैं आ गई सीधे खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, और ये किरण बाजी हैं, ये सिर्फ मेरी फ़ोटो लेने पर लगी हुई थी हर टाइम, फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो, वीडियो कॉल इतनी ज़्यादा ये वीडियो कॉल कर रही थी। तो हम लोग बस यही इंजॉय कर रहे थे। गाजी की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ये मुझे कहीं बैठने नहीं दे रहा था, फिर भी आज बैठ गया था पता नहीं कैसे। उधर है उधर साइड ओके गाइस, तो यहाँ पे रस्म हो रही है, जो हम लोग यहाँ होती है रस्में वो सब हो रहा है। और बारात तो बहुत देर हो गया था आए हुए, लेकिन मैं ना ज़्यादा बारात का शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि दानिश की तबीयत ख़राब थी, वो लखनऊ चले आए थे, और मुझे गाजी को अकेला संभालना पड़ रहा था, इस वजह से ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे रस्में हो रही हैं, और आप यहाँ पे मांग भरी जा रही है, आप लोग सब लोग कहते हैं आपके मांग भरी जाती है, बिल्कुल भरी जाती है, लेकिन हम लोग क्या ना वो सिंदूर वाली मांग नहीं भरी जाती है, हम लोग क्या संदल से भरी जाती है, अब
जिसको संदल कोई कोई अपशा से भरते हैं, कोई कोई संदल से भरते हैं, तो हमारे यहाँ संदल से भरी जाती है। तो यहाँ पे रसम होने के बाद विदाई हो गई थी गाइस, और विदाई मतलब कि पहले जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो लिया जाता है। यहाँ चच्ची हमारी अपने दामाद की बलाएँ ले रही हैं, और चच्चा हमारे यहाँ पर जो है बहुत मतलब कि खुश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पे गिफ्ट के लेन देन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी सालियाँ भी आएंगी। मैंने तो गिफ्ट नहीं दिया था, मैंने तो मुंह दिखाई दे दिया था, मतलब सॉरी सलाम कराई दे दिया था। और ये जो अभी आपको नज़र आ रही है ये मेरी छोटी बहन है, मतलब छोटी चच्चा की लड़की है, ये अपने जीजा को दे रही है गिफ्ट, और यहाँ पे गिफ्ट का लेन देन हो रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हो जाएगी विदाई, और विदाई का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि विदाई हम लोग के यहाँ बड़ी ख़तरनाक वाली होती है, तो मैं वहाँ से हट गई थी क्योंकि मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा रो नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहे हैं दूल्हे के, क्या कहने हैं। और यहाँ पे फूफू की लड़की है जो कि मतलब ये सब होता है यार, जो भी होता है, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट डे पे गाइस, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ दुल्हन के घर, और ये नेक्स्ट डे का है, तो इंजॉय करिए आप यहाँ का नेक्स्ट डे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रिसेप्शन डे, मतलब कि दुल्हन क्या जाना है हम लोगों को, हम लोग इनवाइट हैं दुल्हन क्या। तो बस वही अभी सुबह हो गई है, दोपहर में ही फंक्शन है वहाँ पे, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए। तो अभी मेकअप करना बाकी है, और एज यू नो गाइस कि मैं गाउन पहनने वाली हूँ, वाइन कलर का गाउन है मेरा, आप आगे वीडियोस में देख लेना। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी, और उसके बाद गेट रेडी विद मी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली बातें शेयर करूँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल रही हूँ, मैं बाइक से जाऊँगी, मैं कार से नहीं जाऊँगी। अम्मी हयात के, हाँ बुला नीचे तो। फोटो सेशन खूब सारा हुआ, और अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मेरा गाउन बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत भारी, इसलिए मैं थोड़ा सा अनकम कर दूँ, लेकिन ठीक है यार, अभी चलते हैं खाना खाते हैं। अलीशा आओ, अभी जाएगा, आ चुका है। तो अभी हम लोग दुल्हन के कमरे में बैठे हुए हैं, ये दुल्हन का भाई है, मैं दुल्हन की बहन हूँ, दुल्हन सामने है जो ले नहीं सकते हम लोग फोटो, इसकी टोन देखो सही नहीं लग रही है। हम लोग आए हैं यहाँ ऊपर, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, और मेरे सारे भाई लोग हैं, सब लोग हैं। तो अभी हम लोग खींच रहे हैं, मतलब ब्लॉग कर रहे हैं हम लोग, और ब्लॉग कर ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब गांव का है ना, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का। यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन, उसके बाद मैं भी अभी खिंचाऊँगी। मेरी बहन का घर माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, ये कार्य वाले खड़े हैं। ओके गाइस, तो ये था मेरा शादी का लास्ट व्लॉग, जो आप लोगों ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल रिंग को हिट कर लो।